दोस्तों आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं पंजाबी सॉन्ग है पीछे पीछे, आजकल इस साउंड पे इस वीडियो को अपलोड किया गया है और मैं देख रहा हूँ टिकटॉक पे इस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स इंच व्यूज आ रहा है। यदि आप भी इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे भी काफ़ी ज़्यादा लाइक्स इंच व्यूज आ सकते हैं। इस तरह का वीडियो बनाना बिल्कुल आसान है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आता है, जो बैकग्राउंड को जो वीडियो देख रहे हैं वो बैकग्राउंड वीडियो आपको कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से डाउनलोड करना है लोगों को पता नहीं होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा ये जो बैकग्राउंड वीडियो दिख रहा है वो आपको कैसे डाउनलोड करना है। इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको एक वीडियो शूट करना होगा ग्रीन स्क्रीन में, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं मैंने एक वीडियो शूट किया हूँ ग्रीन स्क्रीन में। तो आपको भी कुछ इस तरह से वीडियो को शूट कर लेना है और एक मोबाइल फ़ोन में साउंड को प्ले कर लेना है। वीडियो शूट करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ वीडियो को एडिट कैसे करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पर आना है और मैंने एक वीडियो डाउनलोड करके रख चुका हूँ, सिंपल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। वीडियो को मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे लाता हूँ, इसे मैं प्ले करते तो आप वीडियो देख सकते हैं, यही बैकग्राउंड है जो मैंने डाउनलोड किया हूँ। तो आपको कैसे डाउनलोड करना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको बता दूंगा कैसे आप लोगों को डाउनलोड करना है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो ग्रीन स्क्रीन में शूट कर रखे उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके वीडियो में कोई एक्स्ट्रा पार्ट है, वीडियो लेयर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट यदि एक्स्ट्रा है तो टीम टू लेफ्ट करेंगे, यदि राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो टीम टू राइट करेंगे। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले टीम टू राइट या फिर टीम टू लेफ्ट कर देना है। इसके बाद बैकग्राउंड में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम टीम टू राइट करते हैं। तो वीडियो हमारा देख सकते हैं कुछ इस तरह से, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद जो क्रोपिंग पर क्लिक करेंगे और जो भी देख सकते हैं ऊपर की साइड में जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कुछ इस तरह से क्रोप कर लेना है। आपको साइड लेफ्ट साइड जो भी एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है उसे आपको क्रोप कर लेना है, तो मैं फटाफट क्रोप कर लेता हूँ। क्रोप करने के बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, सिंपल आपको इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद कलर की पे आना है, ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है और इसे आपको कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट करना है, क्योंकि जो भी आपको बैकग्राउंड में ग्रीन कलर दिख रहा है उसे आपको कुछ इस तरह से रिमूव कर देना है। तो आप बिल्कुल आसानी से रिमूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको टाइम देना है। इसके बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यदि आपको यहाँ से आपको ग्रीन स्क्रीन रिमूव नहीं होता है तो यहाँ से भी आप कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद रिमूव कर सकते हैं। अब हम वीडियो प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। वीडियो पर क्लिक करेंगे और इसे आपको कुछ इस तरह से जूम कर देना, यानी कि फुल स्क्रीन में आपको एडजस्ट कर देना है। इसके बाद मैं एडजस्ट कर देता हूँ, उसके बाद डन करता हूँ। अब जब हम फाइनली वीडियो प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। ये वीडियो टिकटॉक पे फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, साउंड आपको मैच करना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, स्ट्रैक आइडियो कर देना है। इसके बाद वीडियो पर क्लिक करेंगे, इसे आपको डिलीट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, देख सकते हैं यहाँ हमारा साउंड आ चुका है, तो आपको इस वीडियो को एक से दो बार प्ले कर देख लेना आपका वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद इस ऑडियो को भी आपको एक से दो बार प्ले कर देख लेना, इस ऑडियो में यदि एक्स्ट्रा पार्ट है तो कुछ इस तरह से आपको ट्रिम टू लिफ्ट कर देना है और आपको इसे प्रेस करके रखना है, लास्ट पोजिशन में लेकर आ जाना है। तो इस तरह से अपने ऑडियो और वीडियो को साउंड को मैच कर लेना है। हमारा वीडियो यहाँ पर लगभग एडिट हो चुका है और जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पे ऑडियो फेड आउट ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। हमारा वीडियो यहाँ पे फाइनली एडिट हो चुका है। बैकग्राउंड को भी जो वीडियो जो दिख रहा था आपको कैसे डाउनलोड करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको ओपन करना है, वहाँ पर मैंने इस बैकग्राउंड का वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।